हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, भिंडी की सब्जी बनाने का एकदम नया और ख़ास तरीका आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी। यूं तो हम भिंडी की सब्जी बाबा बनाते हैं, लेकिन एक बार इस नए तरीके से आपको ज़रूर बनाना है। सच मानिए, आप एक बार इस तरीके से सब्ज़ी बनाकर देखेंगे तो आपको सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी खाने में कि आप इसे बार बार बनाएंगे और घर वाले जिद करके आपसे बार बार बनाएंगे। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सिंपल चीज़ों से बनाएंगे, घर के मसालों से बनाएंगे। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो भिंडी तो मेरी फेवरेट है, किस किस की भिंडी फेवरेट है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए मैंने कितनी भिंडी लिया है, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है। यहाँ पे भिंडी लेते समय आपको ख्याल ये रखना है कि फ्रेश भिंडी का इस्तेमाल करना है और जो भिंडी बहुत ज़्यादा सख्त होती है उस भिंडी का इस्तेमाल नहीं करना है। वेट नहीं, ये भिंडी हमने आपको बता ही दी है कितनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम भिंडी को धो लेंगे, धोने के बाद कपड़े से पोंछ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने धो लिया है और अच्छे से पोंछ लिया है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसको आप पहले ही वॉश करिए, बाद में वॉश नहीं किया जाता है काटने के बाद। और भिंडी को हम इस तरीके से ऊपर वाला निकाल लेंगे और बीच से इस तरीके से चीरा लगाएंगे और इस तरीके से भिंडी को चेक कर लेंगे, क्योंकि भिंडी में काफ़ी ज़्यादा कीड़े होते हैं। और इस तरीके से चेक करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। और देखिए कैसे कट करना है, इस तरीके से हमें भिंडी को कट करना है। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों से बन जाती है और खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ साथ बनाने में आसान है। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन की बेसिक चीज़ों के साथ, जिसे बनाकर सभी लोगों का दिल जीता जा सकता है और रेस्टोरेंट के खाने को भूल जाएंगे। इस तरीके से भिंडी आप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें भिंडी की कटिंग कर लेनी है। तो भिंडी को कट करते समय जो टिप दी है, इस तरीके से बीच से कट लगा के ज़रूर देखना है, इसमें कीड़े ना हो। तो चलिए कट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से भिंडी को मैंने कट कर लिया, अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। डियर तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें हम एक छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे, बस एक छोटा चम्मच डालना है। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे एक चुटकी हींग और आधा चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा। और यहाँ पर अब इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है, भिंडी को ऐड कर देना है। और गैस का फ्लेम हमें कर देना है हाई, और हाई फ्लेम पे हमें बिना नमक डाले भिंडी को अच्छे से भूनना है। भूनने से क्या होगा, भिंडी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और भिंडी में जो चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी इसका लासापन जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी लीजिए और इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए इसे पका लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से भिंडी को हल्का सा भून के इस्तेमाल करेंगे तो सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो किस किस को भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे भिंडी की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं हफ्ते में 7 दिन खा सकती हूँ लगातार। तो कौन कौन मेरी तरह भिंडी लवर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में हमने भिंडी को अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर भिंडी में हमें सिर्फ इस तरीके से हल्का सा भुनावपन चाहिए, यहाँ पे हमें भिंडी को बहुत ज़्यादा गलाना या पकाना नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हम सारी भिंडी को निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी वे काफ़ी ज़्यादा जल ली है। अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा और हाथ भी जल जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, भिंडी को इस तरीके से पूरा का पूरा निकाल लेते हैं ताकि कुछ भी बचे ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से भिंडी को मैंने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापस से पैन में तेल डाल देंगे एक चम्मच और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। जब तक तेल गरम नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए इसको गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा और लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है, ना ही ब्राउन करना है और ना ही रेड करना है। बस प्याज को हमको हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर आने तक पका लेना है, प्याज से कच्चापन ख़त्म करना है।
तो फ्रेंड अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और प्याज को इसी तरीके से लंबा लंबा मोटा मोटा कट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तब इसके बाद हमने 1 इंच का अदरक लिया जिसको इस तरीके से बीच से कट कर लिया है, और 5 से 6 कलियाँ लहसुन के लिए जिसको मैंने छिलके के साथ लिया है, क्योंकि मेरा लहसुन फ्रेश लहसुन है, ताज़ा वाला है, तो इसके छिलके बहुत ज़रा सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल सफ़ेद लहसुन है। अगर आपका लहसुन पीला है तो समझ जाइए वो पुराना लहसुन है और उसका छिलका हार्ड हो जाता है, तो उसको आपको निकालना है ज़रूरी है। और इस तरीके से फ्रेश लेके लहसुन तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लहसुन भी नहीं खाते तो इसको भी स्किप कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, आइए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसके मैंने वेज निकाले हैं, ना ही जूस निकाला है। लाल टमाटर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और अब इसके बाद ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे क्या होगा टमाटर हमारे जल्दी कुक हो जाएंगे और जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, टमाटर को 10 से 15 सेकेंड अच्छे से भूनने के बाद इसको हम लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो चलिए 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे, डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो हरा धनिया को जब भी इस्तेमाल करें डंठल के साथ इस्तेमाल करें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। और अब इसके बाद हम इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे जो हलवाई डालते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, तो वो सीक्रेट मैं हलवाई वाला आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे मगज के बीज 2 चम्मच, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में और जो हमारी सब्ज़ी बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा रिची होगी खाने में और बहुत ही मज़ेदार होगी। तो जो मगज के बीज है वो हमें लास्ट ही में डालने हैं क्योंकि इसको पकाना नहीं है ज़्यादा। अगर आप इसको ज़्यादा पका लेंगे तो क्या होगा कि इसमें एक तीखापन आ जाता है जो अच्छा नहीं होता है। अगर आपके पास मगज के बीज ना हो तो आप इसकी जगह पे मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन काजू थोड़ा महंगा मिलता है और सभी लोग उसको डाल भी नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर मगज के बीज डाले हैं जो बहुत ही सस्ते रेट में आपको मार्केट में मिल जाते हैं। किसी भी किराने वाली दुकान पे आप ले लेंगे, खरबूज के बीज भी बोल देंगे तब भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारी कुक हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कटोरी में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड जैसी जैसी मैं जो जो मात्रा में आपको चीज़ें बता रही हूँ उसी मात्रा में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है इसे साइड में रख देते हैं और दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। यहाँ पे वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा कितना है 50 ग्राम। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बड़े साइज़ के बर्तन में। और इसी के साथ हम इसमें क्या डालेंगे, आइए आपको बता देते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 ग्रीन चिली जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी जिसको मगरेल भी बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर 1 से 2 चुटकी, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला जिससे ये चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मोटी वाली सौंफ, दोनों ही 1/2 चम्मच मिला के 1 चम्मच हो चुका है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और 1 चुटकी हम डालेंगे हींग, हींग ज़रूर डालना, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें हमने 1 इंच का अदरक लिया जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा हरा धनिया, अगर आपके पास ना हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि हल्दी हमारे खून को साफ करती है और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, ये पिंपल वगैरह से भी हमें बचाती है। तो हल्दी का सेवन ज़रूर कीजिए अपनी रेसिपी में। फिर 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। और अब इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, वो है बेसन। 2 चम्मच बेसन, मोटा महीन जैसा भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बेसन ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल 1 से 2 बूंद। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे हाथों से। और अब ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, तो चलिए पानी ले लेते हैं।
तो ये ले लिया रूम टेम्परेचर का पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। आटा हमें पत्थर जैसा हार्ड या बहुत ज़रा सॉफ्ट नहीं लगाना है, मीडियम आटा लगाना है और हल्के हाथों से लगाना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम अच्छे से आटा लगा लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है, आटे को हमें सिर्फ मोड़ के इसको कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देना है। बेसन डालने की वजह से ये थोड़ा सा हाथों में चिपकता है, लेकिन बेसन डालने की वजह से इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, इस तरीके से आटा हमने लगा लिया, ना बहुत ज़रा हार्ड है ना बहुत ज़रा सॉफ्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस आटे को हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे और इसको साइड में रख देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। इतना आटा लगाने मुझे 1 गिलास पानी में आधा गिलास पानी इस्तेमाल हो गया, क्योंकि मेरी बड़ी थी, अगर आपकी छोटी होगी तो आपको पूरा लग जाएगा। जब तक आटा रेस्ट पे, हम इसे साइड में रखते हैं और दूसरा काम करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, दूसरा बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप बेसन, जो 50 ग्राम है, मोटा महीन जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन, तो जब भी बेसन की कोई चीज़ बनाएं तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और बेसन बिल्कुल भी पेट में नुकसान नहीं देता है। तो यहाँ पे अजवाइन को अच्छे से मसल कर डालना है, इससे जो इसका टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आ रहा है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, हल्दी हमें थोड़ी ही डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी है। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और जीरे का पाउडर। फिर इसके बाद हम इसमें एक ग्रीन चिली को इस तरीके से मोटा मोटा कट करके डाल देंगे। और अब हमने 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। अदरक ज़रूर डालिएगा और उसको पेस्ट बना के नहीं, इस तरीके से डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने लिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको मैंने तावे पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें 1 से 2 बूंद ऑयल डाल देंगे, बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और अब इसके अंदर जाएगा नमक, तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो यहाँ पर नमक हमें 1/4 चम्मच डालना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना खाते उतना डाल सकते। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग और थोड़ा सा गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे जो हमारी भिंडी थी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है, ठंडी होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम भिंडी को डाल देंगे और पहले हम इसको अच्छे से कोटिंग चढ़ा लेंगे बेसन की भिंडी के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी के लिए आधा कटोरी बेसन का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी फैमिली लंबी है, सॉरी बड़ी है, तो आप इसकी जगह पे भिंडी को 500 ग्राम कर सकते हैं, 250 ग्राम की जगह पे। और भिंडी तो वैसे भी अच्छी लगती है, तो थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से इसको मिला लिया है। अब हम क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे पानी, जो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए, बेसन जो होता है बिल्कुल अच्छे से भिंडी के ऊपर लग जाए, इतना हमें बेसन डालना है। और अब हम क्या करेंगे इसको, चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड, इसको अच्छे से मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि भिंडी के अंदर सारे मसाले और बेसन का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से समा जाए और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, इसको साइड में रखते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई, अब इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमारा टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है। अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए, पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ, डियर। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, पैन को अच्छे से गरम कर लिया। जब हमारा पैन गरम हो जाएगा, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच डाल देना, बड़ा है तो 1 चम्मच डालना। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें 1 साबुत खड़ी लाल मिर्च को तोड़कर डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 लौंग। सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकेंड चटकने देंगे, ज़्यादा काला नहीं करना है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, मीडियम साइज़ का। प्याज को हम हल्का हल्का सा पका लेंगे। यहाँ पे प्याज को हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर आने तक पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए, प्याज हमारी हल्की हल्की सी होने लगी है,
तब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, पहले हम प्याज को हल्का सा और पका लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें अपना पेस्ट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमें प्याज को बहुत ज़्यादा लाल या काला नहीं करना है, क्योंकि प्याज अगर आप थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट रखते तो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा सा स्वीटनेस आती है, जो खा के मज़ा आ जाता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हम डाल देंगे अपने पैन में। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाल दिया है, और इस तरीके से अब हमें गैस के फ्लेम को हाई कर देना है। तो यहाँ पे जो टिप मैंने दी है, प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने के बाद ही मसाले को आपको डाल देना है, इससे जो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छा आता है, और दूसरी बात बहुत ही बढ़िया सा प्याज का स्वीटनेस आता है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक 1/2 टीस्पून तक, थोड़ा सा टर्मरिक यानी हल्दी छोटा चम्मच आधा, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास पिसी वाली हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं, और 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, क्या आइए आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई। तो भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं, थोड़ी सी खटाई डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब सारी चीज़ों को हमें धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे ख्याल ये रखना है, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी और इस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ पे मैंने कम ऑयल का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो थोड़ा सा और ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो 2 छोटे चम्मच तेल काफ़ी है। यहाँ पे आपको मसाले को भूनने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि हमने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है, इसीलिए आपको थोड़ा सा इसको भूनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि हमारा जो मसाला है बिल्कुल अच्छे से ऑयल को सेपरेट नहीं कर देता है और कलर इसका चेंज नहीं हो जाता है। यहाँ पे हमें और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं ऐड करनी है, पहले हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में मसालों का जो टेक्सचर है वो इस तरीके से ड्राई होना शुरू हो गया है। अब आप गैस के फ्लेम को हाई कर सकते हैं और हाई फ्लेम पे इसको 10 से 15 सेकंड और भूनेंगे। अब यहाँ पे जब हमारा मसाला अच्छे से भुनने लगेगा तब इसमें ऐड करेंगे हम अपना गरम मसाला। तो चलिए ऐड करते हैं। तो फ्रेंड ये गया हमारा 1 चम्मच तक गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चाहे तो आप मार्केट वाला भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास होममेड ना हो तो। अब यहाँ पे देखिए मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं और यहाँ पे ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे अब इसको हम वापस से 10 सेकंड फुल फ्लेम पे भूनेंगे। पहले हम हाई फ्लेम पे भून रहे थे, अब आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल फुल कर देना है, जितना फुल कर दीजिए जितना हो सके, और इसको वापस से भून लीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, प्याज भी अच्छे से कुक हो गया है, जो हमने हल्का सा ट्रांसपेरेंट रखा था बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और टेक्सचर अभी आपको हम दिखाएंगे, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी, और पानी डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी डाला है। ग्रेवी का टेक्सचर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है ठीक उतना रख सकते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से बनाऊँगी ताकि रोटी और चावल और पराठे दोनों के साथ एंजॉय कर सके। अगर आप इसको चावल के साथ ही एंजॉय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पतला और रख सकते हैं, अगर दोनों मेरी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको इसी तरीके का टेक्सचर रखना होगा। अब ग्रेवी को हम 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे। तो जब तक ये पक रही है हम इसे दूसरे फ्लेम पर रख देंगे और यहाँ पर हम अपना दूसरा काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन ले लिया है तावा वाला, अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल तावा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे और गैस के फ्लेम को फुल कर देंगे, और इस तरीके से हम ऑयल को अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे चाहे तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से आपको फैला देना है। और इस तरह से फैलाने के बाद आपको क्या करना है, 1 चम्मच ले लेना है और चम्मच की सहायता से ऑयल को हर तरफ फैलाना है इस तरह से। ये देखिए गैस का फ्लेम हमें मीडियम रख देना है, और यहाँ पे जो भी तावा या पैन इस्तेमाल करें थोड़ा सा भारी इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा बिल्कुल भी जलेगा नहीं। अब यहाँ पे जो हमारा मिश्रण था ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, सारे फ्लेवर इसके अंदर समा गए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको इस तरीके से डालेंगे, इस तरह से इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि एक साथ चिपका के नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा दूरी पे ही बनाना है, और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आपको बस इतनी ही टिप एंड ट्रिक देंगे कि थोड़ा थोड़ा दूर दूर बनाइए और आपस में चिपकाइए नहीं,
और थोड़ा सा इस तरीके से बड़ी बड़ी टिक्कियाँ नहीं रेडी करनी है, मीडियम मीडियम बनानी है। बहुत ही गजब की रेसिपी भिंडी की शेयर कर रहे हैं, इसे फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आज को ये सब्जी को खा के, और मेहमान भी आपसे पूछेंगे कैसे बनाया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम बीच में भी इसको डाल देंगे, ये वाली हम थोड़ी साइड में कर देंगे और इसको डाल देंगे। तो फ्रेंड अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया है, अब इसको धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको कुक होते हुए, अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से कुक हो गया है, और दूसरे साइड भी इसको 2 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे हमें इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है और ना ही ओवर कुक करना है, यहाँ पे हम इसको सिर्फ 80% तक पकाएंगे और 20% हमारा कच्चा होगा। देखिए इस तरीके से हमें इसको धीमी धीमी आंच पर पका लेना है 2 मिनट और। तो चलिए पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी कुक होते हुए, यहाँ पे देख लीजिए दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक गए हैं। यहाँ पे हमें इसको काला या ओवर कुक नहीं करना है, अब हम इसको हटा लेंगे। यहाँ पे अपनी ग्रेवी वाली हम इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी को हमको पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका था, टाइम की बचत हो जाए इसलिए मैंने ग्रेवी को दूसरे वाले चूल्हे पे रख दिया था पकने के लिए, यानी गैस पे। और यहाँ पे देखिए ग्रेवी में इस तरीके से ऑयल ऊपर आने लगा है, सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारी टिक्कियाँ थी वो हम इसके अंदर सारी की सारी ऐड कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हमें इसको इस तरह से डाल देना है, और फिर इसके बाद हम हल्का हल्का सा चम्मच से इसको दबा देंगे ताकि जो ग्रेवी है बिल्कुल इसके अंदर समा जाए, और जो 20% की कसर थी वो हमारी ग्रेवी के साथ पकेगी। यहाँ पे ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप एक बार मेरे कहने पे भिंडी की सब्ज़ी को इस तरीके से बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से, और थोड़ा सा हम हरा धनिया डालने के बाद अब इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ग्रेवी बिल्कुल इसके अंदर समा जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए और टेस्ट आ जाए। उससे पहले हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा इसके अंदर क्या डाल देंगे, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर लास्ट में, और इसको मिक्स करके अब इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो जब तक ये पक रहा है चलिए हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं, वो फूल गया होगा। तो फ्रेंड आटे को रेस्ट पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे, मसल मसल कर बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लेंगे। थोड़ा सा बेसन इसके अंदर पड़ा है तो हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे क्या होगा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो आज मैं आपके साथ सब्ज़ी के साथ खाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप मेहमानों को या बच्चों को या फिर अपने हस्बैंड को एक बार इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी और ये वाला पराठा बना के खिला के देखिएगा, आपकी तारीफ़ करते हुए उनकी ज़बान नहीं थकेगी। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, यहाँ पर हम ले लेंगे थोड़ा सा चकला और चकले पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो चकला ले लेना है, थोड़ा सा नहीं लेना है, इससे पहले आप हमारा मजाक बनाए हम पहले ही सॉरी बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से इसको इस तरह से गोल कर लेंगे, गोल करने के बाद इस तरह से चिकना करने के बाद अब इसको हम बेलन से बेलेंगे। यहाँ पे इस पराठे को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, तो देखिए इस तरीके से हमें इसको घुमा घुमा के थोड़ा सा मोटा बेलना है। इस तरीके से बेलने के बाद अब आपको क्या करना है, ले लेना है नाइफ, और नाइफ लेने के बाद इस तरीके से कट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से कट लगा लिया है, अब इन कटों को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, बहुत ही आसान है, एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से फोल्ड करते जाइए। तो बेसन पड़ा है थोड़ा सा, ये खिंचता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से इसको लगाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको लगाना है, चाहे तो आप पट्टी इस तरीके से भी अटैच कर सकते हैं, और एकदम गुलाब का फूल रेडी कर लेना है। आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में चाहे तो इस तरीके से पूरा भी लगा सकते हैं, अगर आपको एक एक पट्टी लगाने में दिक्कत हो रही है। अब इस तरह से इसको घुमा के हल्का सा चपटा कर लीजिए, और चपटा करने के बाद थोड़ा सा ऑयल और लगा लीजिए, जिससे क्या होगा ये बेलते समय चिपकेगा नहीं। चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ऑयल लगाएंगे तो परते बहुत ही अच्छे से
क्रिस्पी तरीके से बनेंगी। और इस तरह से हमें हल्का सा मोटा ही इसको बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और ये थोड़ा सा इस तरह से बनेगा कि खा के आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए इसको मैंने इतना मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। और अब इसको हम चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए तावे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, और यहाँ पे तावा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से अपने पराठे को डाल देंगे, हल्का हल्का सा इस तरीके से घुमा देंगे, और 10 सेकंड हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इस तरीके से हम पलट देंगे, ये देखिए। और यहाँ पे अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चलिए पका लेते हैं। तो फ्रेंड धीमी धीमी आंच पर पकाते हुए 2 मिनट हो चुका है, अब इसको हम पलट लेंगे और देख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, आप घी बटर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरीके से हल्का सा ऑयल लगा के इसको हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे ऊपर से। और यहाँ पे पराठे को हमें धीमी धीमी आँच पर ही पकाना है। अब इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद इस साइड भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। और यहाँ पे अब इसको हम अच्छे से दबाते हुए सेकेंगे, इस तरह से दबा दबा के सेकेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये भाग गया था, कोई बात नहीं, मैंने इसको पकड़ लिया था। तो यहाँ पे आप चिमटे का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और इस तरह से दबा दबा के हमें अच्छे से इस पराठे को सेकना है। जितना आप दबा दबा के सेकेंगे धीमी धीमी आँच पे, पराठे को बनाने में आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन पराठा खा के आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें हल्का हल्का सा घुमा घुमा के, और तावा जो इस्तेमाल कीजिएगा थोड़ा सा भारी होना चाहिए, और हल्का हल्का सा इस तरीके से दबाए रही तो जो लच्छे हैं वो अंदर अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक होंगे। यहाँ पे अब हम इसको चिमटे से पलट लेंगे, क्योंकि ये भाग रहा है तो इसलिए चिमटे से पलट लेना है। तो यहाँ पर टूट गया है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टूट गया तो कोई वैसी बात नहीं है। अब इसको हम दबा दबा के सेक लेंगे, आप लोग अपना मत तोड़िएगा। मेरा इसलिए टूटा है क्योंकि वो थोड़ा सा आगे निकल गया था, जिस वजह से मैंने इसको पकड़ा तो टूट गया है, बाकी अदरवाइज़ आपका बिल्कुल भी नहीं टूटेगा अगर आप चिमटे से पलट लेंगे। तो कोई बात नहीं, पराठा मेरा है, टूट गया है तो कोई बात नहीं, मुझे ही खाना है। अब इसको हम इस तरीके से पलट के, तो यहाँ पर इस तरीके से पलट के दूसरे साइड भी हम इसको धीमी धीमी आँच पर सेकेंगे। यहाँ पे पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही बढ़िया बना है, बस हल्का सा टूट गया है तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। पराठा मेरा टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, वो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसको खा चुकी हूँ, और खाने के बाद ही मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसीलिए आप लोग इसको आराम से पकाइएगा, बिल्कुल भी तोड़िएगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा पराठा रेडी हो चुका है, अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे एक प्लेट में। और चलिए इसको निकाल के अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं जो हमने धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए रखी थी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी, तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है सब्जी को पकते हुए, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसको सर्व करते हैं, और सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं कितनी गजब की बनी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे बिल्कुल अच्छे से इसने ग्रेवी को अपने अंदर ले लिया है। यहाँ पे मैंने इसको पराठे के साथ खाने के लिए बनाया है, इसीलिए मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा पतला नहीं रखा है। ग्रेवी का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ है, और इस तरीके से आप भी बनाइएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। पराठा मेरा थोड़ा सा टूट गया है तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही दमदार है दोनों चीज़ों की। और सब्ज़ी आप एक बार ट्राई करेंगे तो कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है इस तरीके से, सभी लोग आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए सर्व करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुके हैं हमारी भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी, देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। सब्ज़ी हमारी बहुत ही गजब की बनी है, ये देखिए चम्मच लगाते ही बिल्कुल अच्छे से टूट रहा है, यानी समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी को अपने अंदर ले लिया है। और ग्रेवी का टेक्स्चर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़रा गजब है। इस सब्ज़ी के सामने आप पनीर की सब्ज़ी भूल जाएंगे, पराठा देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। इस तरीके से आपको इसको हल्का सा गर्म होगा तो इस तरीके से तोड़ देना है, तो जिससे ये लच्छे देखिए कितने अच्छे से खिले खिले से हो गए हैं, काफ़ी ज़रा जल रहा है। तो फ्रेंड हमारा जो पराठा था हल्का सा टूट गया है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़रा जल रहा है। और इस तरीके से आप सब्ज़ी के साथ इसको खा लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सब्ज़ी भी काफ़ी ज़रा जल रही तो मैं इस तरीके से चम्मच से रखूँगी, नहीं तो मेरे हाथ जल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप सब्ज़ी को एक बार इस ग्रेवी के साथ
खा के, सॉरी, पराठे को इस सब्जी के साथ खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। भिंडी की सब्जी की रेसिपी बिल्कुल यूनिक है, तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के भर भर के शेयर कीजिए। सभी को ये तरीका पता लग रहना चाहिए, ये जो सीक्रेट रेसिपी मेरी है, सभी जगह फैला दीजिए। इस रेसिपी को आपको ज़रा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बहुत ही आसान और नई रेसिपी लेके आते हैं अपने चैनल पर एवरी डे, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। और आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ या फिर चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और लच्छे पराठे के साथ, जिसको मैंने हल्का सा मिस्सी रोटी का टेस्ट दिया था पराठे के शेप में, बहुत ही मज़ेदार है। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना आराम से चम्मच इसके अंदर जा रहा है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, मुँह में मेल्ट होने वाली सब्ज़ी बनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।